दुख में सुमिरन सब करे सुख में करे न कोए सुख में सुमिरन जो करे तो दुख का हो का हो बात कबीर दास इस दोहे में कहना चाहते हैं कि हम दुख में तो ईश्वर को जो परम पिता परमेश्वर है उनको तो याद करते हैं है ना? हम सब कहते हैं कि हे भगवान ये तूने क्यों किया क्यों मेरे साथ ही ये होता है पर वही कबीरदास जी कहते हैं कि सुख में कोई नहीं करता या अगर कोई करता है तो वो बहुत कम है ठीक है तो इसमें भावार्थ ये बनता है कि तो इसमें आगे कबीरदास जी कहते हैं कि अगर आप सुख में भी स्मरण करें उस ईश्वर को तो आपको दुख किस बात का होगा क्योंकि तो आप जब सुख बातेंगे ईश्वर के साथ तो वो दुख आएगा ही नहीं क्योंकि तो आप खुश खुशी वाली बातों के बारे में बात बात करेंगे सोचेंगे सुखी रहेंगे कभी दास जी इन दिस कपलेट न रेट्स दैट वन ऑलवेज रिमेंबर गॉड इन ड्यूरिंग द टाइम्स ट्रबल सम टाइम्स बट दस हार्डली समवन हु रिमेंबर्स द ऑल during the good times just for an example you might be doing this like uh, why god why did you do this with me why did you give all the troubles in my life but do you say thank you god for doing a promotion to me thank you god for giving such wonderful results in this paper do you do that no so kabir das continues to narrate that if one remembers or chants God uh, God's name when one is happy or something good has happened in his life, then there will be no such thing like no troublesome period in your life, because you will be uh, thinking and saying good things. So there will be nothing bad in your life. That's it. Thank you.